नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में उचित मूल दुकान नवीन राशन दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति लगातार जारी हो रही है, पर उसमें एक कन्फ्यूज़न है कि उसमें ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपको सब बहुत क्वेश्चन थे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगी उसमें, और जो है उसमें कि हम दूसरे ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम कर लेना है कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी टोटल मध्य प्रदेश के 164 ऐसे ज़िले हैं, मतलब 164 ऐसी जनपद पंचायत है जहां पर यह भर्ती निकली है। तो इसका भी वीडियो हमने प्रोवाइड करवा दिया, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। हमें एक नेक्स्ट वीडियो और लाने वाले हैं क्योंकि और अपडेट आ चुका है, बहुत सारी नई जनपद में ये भर्ती निकल चुकी है। तो यहाँ पर अब राशन दुकान के लिए उचित मूल्य नवीन राशन दुकान ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक सर्च मारना होगा, NFSA। देखिए ये लिखा गया NFSA FPS रजिस्ट्रेशन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, NFSA FPS रजिस्ट्रेशन उचित मूल्य दुकान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ संस्था की जानकारी देखने को मिलेगी, तो अब आप बोलेंगे हम कौन सी संस्था की जानकारी डालें। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि आप जैसे यहाँ पर आवेदक संस्था का प्रकार जैसे चुनेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश सहकारी शो अधि 1960 धारा 10 की उपधार 1 के अंतर्गत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, महिला स्व सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, सहकारिता विभाग, ये अलग अलग समूह हैं। जैसे कि महिला स्व सहायता समूह, जैसे सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम, कोई भी कपड़ा सिलने का काम, तो इस प्रकार के जो समूह रहते हैं। और जैसा उत्पादक सोसाइटी, जैसे भी कोई सोसाइटी में काम करती है तो उसके अलग से समूह रहता है। ये सभी अलग अलग प्रकार के समूह हैं। यहाँ पर आपको कितने प्रकार के समूह दिखने को मिल रहे हैं, 8 टोटल समूह देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग हजारों समूह बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप किसी 8 में से किसी एक समूह में भी जुड़ जाइए, ठीक है, किसी एक समूह में भी जुड़ जाइए। तो आप उसमें जैसे ही जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम महिला स्व सहायता समूह में जुड़े हैं या सहकारिता विभाग में जुड़े हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही सहकारिता विभाग में जुड़े हैं, सहकारी समिति में जुड़े हैं, तो यहाँ पर आवेदक संस्था का नाम, यहाँ पर उस सहकारिता विभाग है उसका नाम अलग अलग रहता है, वो नाम यहाँ पर डाल देना है आपको, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है, और आप जिस नगर पंचायत जनपद पंचायत नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं उसको डाल देना, और जिला आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्राम जोन सिलेक्ट करना है, कार्यालय का पता डाल देना, आवेदक का संस्था का कार्य क्षेत्र डाल देना है, फिर यहाँ पर आपको दे जाएगी अध्यक्ष की जानकारी, ठीक है, जानकारी सभी आपको सही भरना है और कोई गलत जानकारी यहाँ पर आपको नहीं भरना। संस्था के अध्यक्ष की जानकारी यहाँ पर आपको भर देना है, जैसे संस्था के अध्यक्ष का नाम, पति का नाम या पिता का नाम, जन्म तारीख, निवास का पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। जिस दुकान है तो संस्था आवेदन कर रही है उसमें महिला संस्थाएं हैं तो आरक्षित होने की दशा में क्या आवेदक संस्था आरक्षित महिलाओं की श्रेणी में दुकान प्राप्त करना, अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, और अगर आप पुरुष हैं तो इस पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर आपको पुरुष चुन लेना है। और यहाँ पर आप वो आपकी आपकी जानकारी देनी, सदस्य की जानकारी मतलब आपकी खुद की जानकारी यहाँ पर आपको डाल देनी, जैसे नाम, पिता का नाम, जाति, पद, निवास, ये सभी जानकारी डाल देना है, ठीक है, जो सदस्य है उसकी जानकारी डाल देना, इसमें आपकी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं डालना है, जो सहायता समूह के सदस्य की जानकारी, किसी एक सदस्य की जानकारी यहाँ पर आपको डालना है। प्रबंधक की जानकारी डाल देना है, जैसे समिति का प्रबंधक कौन है तो प्रबंधक का नाम आ जाएगा, पिता पति का नाम, सेम वही प्रोसेस रहेगी, दुकान है गोदाम आप कहाँ पर खोलना चाहते हैं उसका पता डाल दीजिए यहाँ पर, वो स्वयं के या किराए की उसका भी यहाँ पर आपको डालना होगा। बैंक का विवरण डाल देना है, यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है, खाता नंबर डाल देना और दोबारा से खाता नंबर यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर अन्य में डाल देना है, आपको अन्य में कोई कार्य करते हैं तो डाल देना, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस ग्राम पंचायत वार्ड है तो आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको जानकारी डाल देनी है।
और एक और बात बता दूं कि आप जिस जिले के निवासी हो उसी जिले के अंतर्गत आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। अगर आप दूसरे जिले में डालना चाहते हैं तो इसमें ये संभव नहीं है। सभी जानकारी भरने के बाद आप सेव डिटेल एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर जैसे ही करेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लगने वाले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद फाइनल यहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट आईडी देखने को मिल जाएगी। रिक्वेस्ट आईडी में आप यहाँ पर सर्च करते हैं आपकी स्थिति क्या है। तो सर्च करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आवेदन की स्थिति। चेक करें तो यहाँ पर आप आवेदन की स्थिति पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया था वो डाल देना, और यहाँ पर पासवर्ड आपको जो मेल पर आएगा या इनबॉक्स में आएगा वो आपको डाल देना है, और यहाँ पर शो जानकारी पर क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपके पास नहीं आया है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पर कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। फॉरगॉट पासवर्ड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, एप्लीकेशन सबमिट डेट देने को देनी होगी, और एप्लीकेशन एप्लीकेंट मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगेगी, और यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा, फिर आप न्यू पासवर्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप नवीन राशन दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको मैंने संपूर्ण डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। अगर इसमें कोई आपको लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन भाई बहनों के जिस जिले के अंतर्गत वो रहते हैं अगर उसमें नवीन राशन दुकान की रिक्तियाँ खाली हैं तो उसमें वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से भाई बहन जो कि पहले से ही किसी समूह में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है गांव में ही जॉब करने का। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।